रामपुर में समाजवादी पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सीतापुर की जेल में आजम खान से मिले थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर आजम खान से चर्चा की थी। इसके बाद रामपुर के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ऐलान करते हुए रामपुर में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन से निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। पिछले उपचुनाव में जनता का उत्पीड़न किया गया, इस प्रस्ताव की कॉपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजी जा रही है। जो माहौल है, राजनीतिक माहौल है, उसको देखते हुए हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारा पूरे जिले से प्रतिनिधिमंडल गया था, उससे जाके हम लोगों ने गुजारिश की उनसे कि आप यहाँ से रामपुर से चुनाव लड़ें। लेकिन शायद ऐसा होता हुआ संभव नहीं दिखाई दे रहा था, और यहाँ के लोगों के साथ जो उपचुनाव में अत्याचार हुए हैं वो दोबारा ना हो, इसलिए हम सब लोगों ने इस बार चुनाव से बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने हिसाब से अपनी जिम्मेदारी के साथ चुनाव कैसे लड़ते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं। हमने कुछ नहीं किया, ना ही हमने पर्चा खरीदा, कुछ नहीं किया, हम चुनाव में ही नहीं जा रहे हैं। रामपुर से मतलब आप बहिष्कार करते हैं किसी प्रत्याशी? जी जी जी, सपा की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें क्या निर्णय लेते हैं। जिला कार्यकारिणी क्या कुछ हम लोगों का तो यही है, जो जिला कार्यकारिणी के जो हमारे साथ के मौजूदा जिला पंचायत वो विधायक हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रत्याशीगण हैं, उन सब लोगों से राय मशवरा लेकर हम लोगों का यही है कि हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करें। सपा नेताओं का कहना है कि पहले के चुनाव में जिस तरह से प्रशासन द्वारा परेशान किया गया, उसको देखते हुए हम आज आजम खान के आदेश पर इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। सपा नेताओं ने कहा, जो हालात रामपुर में गुजरे हैं और जिस तरह से मनोबल गिराया गया और फर्जी मुकदमे कायम किए गए और लोग अभी तक जेल में हैं, अभी भी प्रशासन द्वारा जिस तरह से सपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इन सब के बीच हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहा था कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाए हैं। ऐसे में हमने ये फैसला किया है। आज रामपुर में गुजरे हैं और जिस तरह मनोबल गिराया गया हमारे वर्करों का, फर्जी मुकदमे कायम किए गए, अभी तक जेल में हैं लोग, जो जुल्म और ज्यादती की गई है यहाँ, जिसका बदतरीन मुजाहरा उपचुनाव में हुआ है, और अभी तक लगातार जिस तरह की प्रशासन द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं समाजवादी पार्टी लोगों के खिलाफ, इन तमाम हालात से निपटने के लिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑफर किया था कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें। ये वक्त की आवाज़ भी थी, रामपुर की ज़रूरत भी थी, लेकिन अपनी अपनी ज़रूरतें, अपनी अपनी मसलियतें हैं, अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई निर्णय नहीं हुआ है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के रामपुर के नेताओं के इस ऐलान से पहले बीते शुक्रवार को अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई सीटों को लेकर चर्चा हुई थी। इस दौरान आजम खान ने अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। इससे पहले साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान ने सपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि आजम खान को कोर्ट ने एक केस में सजा सुनाई जिससे उनकी सांसदी चली गई। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में भाजपा ने ये सीट सपा से छीन ली। सपा का आरोप है कि सत्ता के जोर पर उनके मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया।